शिवपुरी जिले के सफाई कर्मचारी वेतन न मिलने से नाराज आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में हड़ताल शुरू कर दी, जिससे जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। अस्पताल में भर्ती मरीज सहित अटेंडरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि जिला अस्पताल में आधा सैकड़ा के लगभग आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था के लिए तैनात किया गया है। लंबे समय से आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों के वेतन को भी नहीं बढ़ाया गया है और न ही उन्हें छुट्टियां मिलती है। ये हमारे इतना ही महंगाई चल रही है, जिससे कि हमारी सैलरी बिल्कुल कम है, जिससे हमारे बच्चों का लालन पोषण अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। हमारा कहना यही है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। हर कंपनी में 4 ऑफ दिए जाते हैं, हमारे 4 ऑफ नहीं है और हर कंपनी में बोनस मिलता है, हमको कोई बोनस नहीं है। पहले इनाम दी जाती थी, इस साल तो हमें इनाम भी नहीं मिली गई, दीपावली पे इनाम भी नहीं मिली। आप कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? कम से कम मुझे 13 से 14 साल हो रही। 13-14 साल में कभी भी सैलरी बढ़ी नहीं है आपकी? बहुत ज्यादा सैलरी तो बढ़ी है। 1500 से शुरू हुए थे, फिर उसके बाद 2000 हुई है, फिर उसके बाद हमारी 3 हुई है, फिर 32 हुई है, फिर 38 हुई है। अब कम से कम हमारी 2 से 3 साल से 2 अभी हमारी 7.5 है, लेकिन महंगाई के हिसाब से हमें उतना नहीं पड़ रहा। उसके अलावा कि हमको बाड़वाए का भी काम कराया जाता है, स्वीपर के अलावा हमारा काम सफाई का है। लेकिन हमसे बोलते हैं कि हमसे बोला जाता है कि सामान लेके आओ, हमें कम से कम लेके 1.5 घंटा हम सामान लेने जाएंगे तो हम सफाई कैसे करेंगे? बाड़वाए का भी पूरा काम कर 15,000 तो हो जाए तो 15,000 मिल दो। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।